राफेल की खरीद के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर पे यू टर्न के बाद चीन ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। आखिर क्या कहा है पाकिस्तान के आका ने, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस से राफेल की पहली डिलीवरी मिलने की खबर से पाकिस्तान इस कदर परेशान है कि वह अपने सबसे करीबी दोस्त चीन से विमान उधार मांगने चला गया। पाकिस्तान ने चीन से एक अपग्रेड रडार और एयरक्राफ्ट मांगा। पाकिस्तान चाहता था कि फ्रांस से भारत को लड़ाकू विमान राफेल मिलने के बाद J-17 लड़ाकू विमान अपग्रेड कर दे, लेकिन चीन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से कहा कि वह J-17 थंडर अपग्रेड करे, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इन मांगों को खारिज कर दिया। चीन का मानना है कि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में वह उसे और उधार देके फंसना नहीं चाहता। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने शुरुआती एक साल में ही कुल कर्ज 7,509 अरब रुपए लिया है। अगस्त 2018 से अगस्त 2019 के बीच विदेश से 2,804 अरब रुपए का और घरेलू स्रोतों से 4,705 अरब रुपए का कर्ज लिया है। J-17 का इस्तेमाल हवाई जासूसी, जमीन पर हमले और विमान के अवरोधन के लिए किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि J-17 और राफेल की क्षमता के बीच कितना अंतर है। J-17 की चाल कदम 1 है, जबकि राफेल की चाल कदम 1 से 2 है। J-17 की लंबाई 4.93 मीटर है और राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है। J-17 की ऊंचाई 4.72 मीटर है, बल्कि राफेल की ऊंचाई 5.34 मीटर है। आपको यह भी बता दें कि J-17 का पंख क्षेत्र 24.43 मीटर स्क्वायर है, जबकि राफेल का पंख क्षेत्र 45.7 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों एयरक्राफ्ट की वजन की बात करें तो J-17 का वजन 6,581 किलोग्राम है, जबकि राफेल का वजन 10,300 किलोग्राम है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से ठीक पहले चीन ने कश्मीर को दोनों देशों के बीच का मुद्दा बताया था, जबकि इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर चीन पाकिस्तान की तरफदारी करता रहा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान 2 दिनों के चीन दौरे पर इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि कश्मीर मुद्दे पर उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन चीन ने साफ किया है कि आपसी बातचीत से ही दोनों देश मुद्दे का हल निकालें। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने उसका साथ छोड़ दिया है। भारत की कूटनीति के आगे चीन भी ज्यादा समय तक पाकिस्तान को अंध समर्थन देना जारी नहीं रख सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।